दोस्तों, हर माँ बाप के लिए बच्चा होना काफी खुशी की बात होती है, और अगर घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो जाए तो माँ के चेहरे पर जो खुशी होती है ना, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वो सिर्फ माँ ही जान सकती है, फिर चाहे वो इंसान का बच्चा हो या किसी जानवर का। पर दोस्तों, क्या आपको मालूम है, अगर उस कंडीशन में आपसे कोई आपका बच्चा चुरा ले तो शायद आपके ऊपर दुख के बादल मंडराने लगेंगे, आपके लिए दुनिया नर्क से बदतर लगने लगेगी, है ना। कुछ ऐसा ही हुआ एक राजू नामक हाथी के माँ के साथ, जिसने अपने बच्चे को जन्म देते ही खो दिया। जिस बच्चे ने अभी तक ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, ठीक से आंख भी नहीं खोली थी, उसी को कुछ लोगों ने चुरा लिया। और दुख की बात तो यह है कि उस नन्हे हाथी के साथ आगे जाकर जो हैवानियत हुई, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये कहानी है राजू की, जो राजू इंसान नहीं बल्कि एक हाथी है। वो बदकिस्मत हाथी जिसको कुछ इंसानों ने बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, वो भी एक दो साल नहीं, पूरे 10 साल तक। राजू की दर्दनाक दास्तान सुनकर आपका कलेजा फट पड़ेगा। दोस्तों, एक समय के लिए सुनने में भले ही आपको ये कोई फिल्मी स्टोरी लगे, पर सच में ये घटित हुआ है, जिसे सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान इस प्रकार का कठोर हो सकता है कि सालों तक किसी को भूखा रखे। ये कहानी भी इंसानियत को शर्मसार कर देती है। वैसे तो इंसान और जानवरों के बीच का रिश्ता कई सदियों से बहुत ही गहरा रहा है। ऐसे कई वाकया भी हमारे सामने आए हैं कि कई बार इंसानों ने खुद की जान दांव पर लगाकर मुसीबत में फंसे हाथी की मदद की है या जानवरों की मदद की है, और जानवरों ने भी इंसानों का कर्ज चुकाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि कुछ पालतू जानवरों ने तो अपने मालिक को मौत के मुँह से निकाल कर खुद को ही मौत के हवाले कर दिया। दोस्तों, ऐसे जानवरों के बलिदान के बारे में सुनकर तो जानवरों से नफरत करने वाला शख्स के मन में भी जानवरों के लिए प्रेम की भावना जाग जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान से ज्यादा खतरनाक इस धरती पर कोई जानवर नहीं। लेकिन ये बात राजू नाम के उस हाथी से पूछिए जिस पर कई जुर्म किए गए। वैसे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाथी एक सोशलाइज्ड जानवर है जो बाकी हाथियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये माना जाता है कि हाथी काफी ज्यादा समझदार होते हैं। इस बात का नमूना आपको कई सारी पोस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें कहीं कहीं कोई हाथी पेंटिंग करता है तो कहीं कोई इंसानों के साथ खेलने लगता है। ऐसे में इनकी समझदारी से हम इंसान बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, पर एक चीज है जिससे हम वाकिफ नहीं है, और वो है इंसानों से। जी हाँ, हम इंसानों से। हम इंसान ऐसे जीवित प्राणी हैं जिनमें अकल तो सबसे ज्यादा है, लेकिन दरिंदगी उससे भी ज्यादा है। पर इंसान दरिंदगी की किस हद तक जा सकता है, इसका उदाहरण तो आप आजकल दुनिया में देख ही रहे हैं। उन्हीं में से एक है बेचारा राजू। ऐसी हैवानियत की गई उसके साथ जो किसी को भी रुला देगी। जन्म के तुरंत बाद राजू को किसी ने चुरा लिया था, उसे उसकी माँ से जुदा कर दिया। जिसे अभी तक अच्छे बुरे का फर्क मालूम नहीं था, उस नन्हे हाथी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। शुरू शुरू में उसे कई हाथों में बेचा गया, जिस वजह से ये किसी एक जगह पर कभी नहीं रह पाया। हर कोई इससे फायदे और नुकसान के तराजू में इसको तोलता, जिस वजह से राजू का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया। राजू के खरीदार उससे अच्छी कमाई करके उसे किसी और के हाथों में बेच देते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो उत्तर प्रदेश के एक शख्स के पास पहुंच गया। राजू नाम के हाथी की किस्मत तो जैसे उससे रूठ गई थी, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश के शख्स के पास राजू को बेचा गया, जब राजू के इस मालिक ने उसे खरीदा तो राजू की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो कमजोर हो गया था। इसी वजह से इसके मालिक ने राजू को बहुत ही कम पैसों में खरीद लिया, और इनसे राजू की किस्मत और ज्यादा खराब हो गई। इसका मालिक ही नशे का आदि था, जो नशा करके आता और राजू को मारने लगता। वो इंसान की शक्ल में एक दरिंदा था। राजू के उस नए मालिक को नशे की बहुत ज्यादा लत थी। वो रोजाना नशा करने के बाद हाथी पर कोड़े बरसाता, उसे जंजीरों में कैद करके रखता। राजू एक बेजुबान जानवर होने के नाते अपने मालिक को कुछ भी नहीं कह पाता था। राजू पहले से बहुत ज्यादा कमजोर था, और उसका मालिक उसे मारने के साथ साथ ना ही ढंग से पौष्टिक आहार देता और ना ही उसे सही से रखता, जिसकी वजह से राजू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। तो मजबूरन अपने मालिक की उसको मार सहनी पड़ती थी। हालांकि राजू का मालिक सिर्फ उसे मारता नहीं था, बल्कि उससे पैसे भी कमाता था। राजू को भीड़ वाली जगह पर ले जाता ताकि लोग उसे देखकर चंदा दे दें और उसके रात के नशे का इंतजाम हो जाए। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया और राजू इलाके में काफी ज्यादा फेमस हो गया, जहां लोग राजू से काफी ज्यादा आकर्षित होकर उसकी सवारी करने लगे।
लोग उस हाथी के करीब जाकर फोटो खिंचवाते, दिल खोल कर पैसे लुटाते, जिस वजह से राजू के मालिक की आमदनी बढ़ती गई। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी राजू को कुछ नहीं मिलता, ना ही अपने मालिक का प्यार, ना ठीक ढंग का खाना, और इसी वजह से राजू की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। राजू का स्वास्थ्य पहले से ही ज्यादा खराब था और उसके ऊपर दिन भर काम करके आने की वजह से राजू सदा बीमार रहने लगा। और दोस्तों, ये सब देखने के बाद उसके मालिक का दिल नहीं पसीजा और उसे राजू पर जरा भी दया नहीं आई, बल्कि वो इतना पत्थर दिल था कि वो शख्स राजू को कभी खुले मैदान में यूं ही भटकने छोड़ देता। पेट की आग तो वैसे भी किसी को भी बेबस कर देती है। राजू भी बेचारा क्या करता, सड़कों पर भटकता फिरता रहता, वहीं कुछ गिरा मिल जाता तो खा लेता था, सूखी घास और पत्ते खाकर अपनी भूख को शांत करता था। सालों से हो रही दरिंदगी की वजह से राजू बहुत ही कमजोर हो गया था, लेकिन अब उसकी हालत और भी ज्यादा बदतर होने लगी थी। उसने राजू को घर के पीछे लोहे की मोटी कांटों वाली जंजीर से बांध दिया और अकेला छोड़ दिया। तो राजू इसी तरह कई सालों तक बंधक बना रहा, जहां उसे खाने के नाम पर दिन भर में एक बड़ा और थोड़ा बहुत बस खाना सा मिल जाता था, जिससे उसका पेट नहीं भरता। लगातार जंजीरों से बंधे रहने से उसके पैरों में गहरे जख्म के निशान हो गए। जैसे चिड़ियाघर में जन्मे शेर शिकार करना भूल जाते हैं, वैसे ही राजू भी हाथी की ताकत भूल चुका था। वो चाहे तो उसके मालिक को सबक सिखा सकता था, पर वो अपनी असली ताकत से कभी वाकिफ ही नहीं था। अब उसके बीमार होने के बाद उसने राजू पर और ज्यादा ध्यान देना छोड़ दिया। उल्टा, जब भी वो नशा करके घर लौटता तो बिना वजह राजू को मारने लगता। हालांकि इतनी सारी तकलीफ सहने के बाद अब राजू के अच्छे दिन आने वाले थे। एक दिन अचानक राजू पर ऐसे शख्स की नजर पड़ी जिसे जानवरों से बेहद मोहब्बत थी। दोस्तों, उस हाथी की दर्दनाक दास्तान जानकर मदद करने वाली एक संस्था तक उसने पहुंचा दी सारी स्टोरी। वाइल्ड लाइफ चैरिटी को जानकारी मिलने के बाद राजू पहली बार आम लोगों की नजरों में आया। लोगों ने राजू की दयनीय स्थिति के बारे में जाना तो उसकी हालत देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उसकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि उसे सालों से पेट भर के खाना नसीब नहीं हुआ है। 2013 में वाइल्ड लाइफ चैरिटी ने कोर्ट से राजू को रेस्क्यू करने की अपील की। कोर्ट से फैसला आने में एक साल लग गया और आखिरकार एक साल वो वक्त भी आ गया जब राजू की आजादी के रास्ते खुल गए। 2014 में कोर्ट ने राजू को रेस्क्यू करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ चैरिटी के मेंबर कार्तिक सत्यनारायण ने अपनी टीम के साथ मिलकर राजू के रेस्क्यू के ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया, कोई किसी को ज्यादा इसके बारे में पता ना चल सके। और जब राजू को आजाद करने के लिए उसके पैरों में बंधी हुई कांटेदार जंजीरों को हटाया जा रहा था तो वहां पर काफी ज्यादा घाव बन गया था। राजू ने खुशी खुशी उस पल को भी जी लिया और राजू को उस लंबी दर्दनाक कैद से आजाद करवाया। राजू रेस्क्यू के बाद भरपेट खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो रोने लगा। उस बेजुबान जानवर के जज्बात आंखों से निकलने लगे। ये देखकर वहां मौजूद लोग भी रो पड़े। उन्होंने पहली बार किसी हाथी को ऐसे फूट फूट कर रोते देखा था। इसके बाद भी राजू का लंबे वक्त तक खास ख्याल रखा गया। फिर राजू एकदम स्वस्थ हो गया और राजू को जंगल में छोड़ दिया गया। दोस्तों, हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए जानवरों पर क्या क्या जुर्म नहीं ढाते। बेचारे जानवर चुपचाप हमारे अत्याचार को सहते रहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन जानवरों को भूखा रख कर पैसा कमाना सही है? हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।